इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझसे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। आप उस आपको आप मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर ले। S-400 की आपने बात की है, इंडिया की, फिर उनका वहां पे क्वाड की एक्सरसाइज होना। लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ, हमेशा आपका एक हाथ हमारी तरफ होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। हेलो फ्रेंड्स, अपने हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में साजिद तरार बता रहे कि इस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में डंका बजा रही है भारत का, और भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है, उसने अमेरिका से लेकर रशिया तक को अपनी जेब में डाल रखा है। एक तरफ तो रशिया से वो S-400 ले रहे हैं और अमेरिका से भी हथियार ले रहे हैं, और दूसरा वो दोनों को काबू करके रखा हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं इस समय भारत के खिलाफ कुछ भी बयान देने की, यहाँ तक कि अमेरिका भी डर चुका है क्योंकि उसने S-400 के लिए टर्की पे तो प्रतिबंध लगा दिए थे, मगर अमेरिका की जबान नहीं खुल रही भारत के खिलाफ एक शब्द भी कहने की। और आने वाले समय में और भी ज़्यादा दोस्ती इनकी तगड़ी होने वाली है अमेरिका और भारत की। और पाकिस्तान इस समय बिल्कुल बुरी कंडीशन में है, उसे समझ में नहीं आ रहा वो चाइना के कैंप में है या अमेरिका के कैंप में। पूरा अफरा तफरी का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, दो वक्त की रोटी भी लोगों को नसीब नहीं हो रही और लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं डॉलर ले लेके। इससे पता चल जाता है भारत कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, और आने वाला समय और भी गंदा होगा अगर हमारे मंत्रियों ने अभी कोई फैसले नहीं लिए, क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल ऐसी हालत होगी जैसे मुल्क डूब रहा है। आइए फ्रेंड इस वीडियो को देखते हैं। साजिद साहब, जिस तरह मैंने ये बात की कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जहां भारत ने S-400 के हवाले से इतना बड़ा एक मुआहदा, तो उनका डील थी ही, अब तो पहुंचना शुरू हो गए वहां पर, एक तरफ हमने ये देखा, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडन की एक 3 घंटे की तवील मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट शी के साथ, और बड़े ही अहम पॉइंट्स पर वहां पे गुफ्तगू हुई। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि दुनिया के कंट्रीज जो है वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या चल रहा है, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, अभी आपने कुछ तो बताया कि इंटरनेशनल अरीना पे क्या चीजें हो रही हैं, उसमें जो जो सबसे ज्यादा है वो प्रेसिडेंट शी और बाइडन साहब की बात होना। S-400 की आपने बात की है, इंडिया की, फिर उनका वहां पे क्वाड की एक्सरसाइज होना, उसके बाद अगर देखा जाए तो ट्राइका प्लस पाकिस्तान ने किया, उसके बाद ये हुआ कि COP26 जिसमें सारे कंट्रीज इकट्ठे थे, उन्होंने अमेरिकन ने वहां पे काउंटर करने की कोशिश की CPAC या उनके जो BRI इनिशिएटिव को। तो सारी चीजें इस वक्त इंटरनेशनल अरीना पे हो रही हैं, लेकिन S-400 पे मेरे तहफ़ुज़ात ये हैं कि अमेरिका की डबल पॉलिसी वहां नजर आ रही है। टर्की को जब S-400 लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सैक्शंस की थ्रेट की थी, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इनटू द इंडियन कैंप। लेकिन मेरे जो तहफुजात हैं वो ये है कि आपका जो यहाँ पे जो इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी चाइना की, जो प्रोजेक्ट्स बन चुके थे, उनका फ्यूचर क्या है। और उसके बाद वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ, हमेशा आपका एक हाथ हमारी तरफ होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो उसी तरह अगर आप चाइना की जो हिमालय जैसी दोस्ती है उसके CPAC को दरमियान में खड़ा करके, दासू डैम का प्रोजेक्ट दरमियान में खड़ा करके, आप अगर IMF के कैंप में और अमेरिकन कैंप में आने के लिए इतने बेचैन हैं, तो फिर क्या होगा उस रीजन के अंदर। और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको वो पिछली सीटों पर बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी, और वो इतनी स्ट्रांग है कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं Washington DC में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको Washington DC में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा बल्कि यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा, आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियंस ने की।
लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझसे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। आप उस आपको आप मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर ले। उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपने बात की कि देखिए इंडिया S-400 ले रहा है, अमेरिका का ये लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा, मुझे पता ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया, एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने, तो हम तो किसी की भी जरूरत नहीं बन सके। यानी ये कि जब FATF का मामला आता है तो फटाफट हमें उसमें डाल दिया जाता है, कोई भी मामला होता है तो हमारे ऊपर जो है वो तलवार चल जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम कहीं पर नहीं पहुंच सके, हम ना ताल्लुकात अच्छे कर सके हैं हमारी हुकूमतें किसी से, ना हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर सके हैं कि हम इकोनॉमिकली उनके मोहताज ना रहें, तो वो देखते हैं कि ये तो हर तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या यही बात नहीं है? देखिए, डिप्लोमेसी तब आती है, फॉरेन पॉलिसी तब तवज्जो दी जाती है जब आपको अवाम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो मैंने स्टार्ट में उसके पर बात की कि बड़ी ही एक जो अहम मीटिंग हुई है, एक तो प्रेसिडेंट शी की और प्रेसिडेंट बाइडेन की, और फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पैकेज उन्होंने मंजूर करवा लिया, एक्सेप्ट करवा लिया उन्होंने कांग्रेस से, और वो कहा जा रहा है कि बहुत $1 ट्रिलियन उसका बजट है, बल्कि इससे भी ज्यादा कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब उसके बाद अमेरिका बिल्कुल बदल जाएगा। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई आप समझते हैं कि इसकी वजह से अमेरिका को बहुत बूस्ट मिलेगा? अब इन्होंने ये किया है कि एक तो इस जो इन्होंने इनकी मीटिंग है ये क्यों हुई या इसके पीछे इसका क्या इम्पैक्ट है। एक तो जो प्रेसिडेंट शी है 2 साल से बाहर नहीं निकले, वो भी वर्चुअल करते हैं। ये जो कल मंडे से इनकी जो मीटिंग शुरू हुई, ये तीसरा इंटरेक्शन है बाइडन का, पहले 2 टेलीफोन कॉल्स थी और कल तीसरी इनकी आपस में बातचीत। ये सिंबॉलिक है क्योंकि टेंशन इतनी क्रिएट हो चुकी है कि इस वक्त बल्कि चाइनीज जो प्रेसिडेंट शी है तो वो कई दफा अपनी तकारीर में कह चुके हैं कि वी आर इन अ कोल्ड वॉर, वी आर इन अ कोल्ड वॉर विद अमेरिका। इस वक्त आपके इंटरनल प्रॉब्लम में आपने देखा होगा पिछले जो 2 महीने से, चाहे वो ISI की अपॉइंटमेंट हो, चाहे EVM हो, चाहे TLP हो, चाहे TTP हो, चाहे NAB हो, आपने 30 साल का टाइम बता दिया लोगों को। महंगाई के हालात ये है, आपके मिनिस्टर मुसलसल कहते रहे कि हमारे तेल के कुएं नहीं है लेकिन आपके चीनी के कुएं हैं, और आज वो वहां भी धोखा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है अब आटे की भी किल्लत है, और इस वक्त जिस तरह आपने बताया राशनिंग शुरू हो जाएगी गैस पे, तो इस वक्त गरीब का बच्चा जो है इस वक्त बिल्कुल किसी तवज्जो। देखें अभी रिसेंटली जिस तरह आपने खुद फरमाया जज साहब के ऊपर, जज साहब की बात आ रही है, लोगों की बिल्कुल तवज्जो नहीं है क्योंकि लोग मफलूज हो चुके हैं, लोगों की सोचें मफलूज हो चुकी हैं। जो 2 वक्त का खाना खाते थे वो इस वक्त 1 वक्त का खाना खा रहे हैं। ये वाली रजीम जो है इसमें से ज्यादातर लोग 1 वे टिकट पर जाएंगे, वापस आने का सोच के नहीं जाएंगे, क्योंकि जो डॉलर के हालात आपके, और जिस तरीके से मेरी जो खबरों के हिसाब से इस वक्त जो आपके कई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, भागने के लिए तैयारियां हैं, डॉलर जो ही कहीं से मिलता है फॉरन लेके ट्रांसफर हो जाता है दुबई या लंदन,